तनाव नहीं है, झगड़े नहीं है, इस तरह की स्थिति। संतरास अस्वस्ति समष्टि, अहंकार और स्वाभिमान में क्या अंतर है? क्या कहाँ कहाँ से लाते हो? स्वाभिमान जब थोड़ा बदतमीजी के स्तर पे आ जाए तो अहंकार हो जाता है, ठीक है। स्वाभिमान तो होना ही चाहिए, भाई मैं जो हूं मुझे उस पर गर्व है, अभिमान है, वहां तक ठीक है कि मैं जैसा हूं ठीक हूं। कोई आपसे कहे तुम्हें भगत सिंह बनना होगा, ना नहीं बनना भगत सिंह, मैं ना राम सिंह ही ठीक हूं, मैं चिंटू सिंह ही ठीक हूं, नहीं बनना भगत सिंह। तुमको बनना होगा, तुमको नरेंद्र मोदी बनना होगा, क्यों बनना होगा? नहीं बनेंगे नरेंद्र मोदी, हम जो है ठीक है भाई, हम इसी में खुश हैं, ये स्वाभिमान है। और फिर नरेंद्र मोदी को चिंटू बनना होगा, अब ये थोड़ा सा मामला आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, इसको अभी आईना दिखाने की जरूरत है, समय दिखा देगा। तो घमंड होता है जब लोग एकदम ऊंची ग्रीवा करके माला फेंके यूं खड़े हो जाते हैं ना, वो होता है घमंड। बेवकूफी है घमंड करना, आपको असाध्य बिना पढ़ के समझ में आएगा कितनी बड़ी बेवकूफी है। क्योंकि घमंड करने वाले व्यक्ति को यह एहसास नहीं होता कि वो जिस चीज पे घमंड कर रहे दरअसल वो उसकी है नहीं, वो तुक्के से उसके पास है, वो उसकी अनिवार्य विशेषता नहीं है। तुक्का लग गया, और लग गया तो तुक्के पे क्या घमंड करना। इसलिए अगर आपको अपनी लंबाई पे, सौंदर्य पे, बुद्धि पे घमंड हो किसी को, तुक्के की बात है, कुछ नहीं धरा इन बातों में। बड़े बड़े पीस देखे मैंने और आप भी देखे होंगे। दुर्भाग्य क्या क्या होता है, एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जो हमसे जुड़ा भी हुआ है, वो एक बौद्धिक कार्य करने में बड़ा एक्सपर्ट व्यक्ति है। अभी कुछ दिन पहले अचानक उससे एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट होने पर चोट लगी सिर पर, उसकी याददाश्त खो गई है। जो बौद्धिक कार्य करता था उसकी याददाश्त चली गई है, और उस बौद्धिक कार्य की शर्त थी कि उसको बहुत सारी चीजें पता थी। वो सब चीजें पता होने की वजह से उसकी कमांड थी अपने विषय पर, अब याददाश्त चली गई। हालांकि उम्मीद है अभी कि लौट के आ जाएगी, अब कोशिश चल रही है उसकी। लेकिन जिस चीज पे आप घमंड कर रहे हैं, वो एक्सीडेंट किस चीज से? स्कूटर से, ट्रेन ब्रेन से नहीं हुआ है, स्कूटर से हुआ है। मतलब आप जिस चीज पे घमंड कर रहे हैं, हो सकता है कि स्कूटर आए घमंड लेके चला जाए आपका, ये हालत है। इसलिए घमंड करना बेवकूफी का चरम स्तर है, इससे जितना बचे उतना बेहतर। तो अब शुरू करते दिव्या, एक बच्चे ने दो शब्द भेजे, आप बताइए शब्द अगर आप जानते हैं तो। एक शब्द है समृद्धि, ठीक लिखा होगा समृद्धि, या कुछ चेंज करना है इसमें? ठीक है। और दूसरा उसने जो भेजा है वो है, ऐसे भेजा है,